और जो नीचे दिखाई दे रहा है वो है दूध नदी, जहाँ से हम अभी आ रहे हैं। ये है वो रास्ता, बहुत अकेले जाना ठीक नहीं है, अंधेरा है। यहाँ से वापस चलते हैं। नहीं क्या अकेला फट के हाथ में आ गई। जय हिंद दोस्तों, मैं जी राइडर और अभी हम जा रहे हैं कैंकेर। कैंकेर के कुछ क्षेत्र है उसको आपको दिखाएंगे, तो सीधा मिलते हैं रोड पे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ जी राइडर, आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे एक और नए चैनल पर। और दोपहर के 2 बज चुके हैं और हम अभी अपने घर के गलियों से निकल रहे हैं और यहाँ से हमें लगभग 110 किलोमीटर दूर जाना है कैंकेर। कैंकेर दोस्तों दक्षिण बस्तर में आता है, सॉरी उत्तर बस्तर में आता है। और ये है मानपुर रोड, सीधा ये मानपुर जाएगा और इसी रोड को के सहारे हम गढ़चिरौली महाराष्ट्र में भी जा सकते हैं। और यहाँ पे गायों का भी फर्स्ट नाला है, ये है दोस्तों फर्स्ट नाला। यहाँ पे मैं बचपन में खूब घूमने आया करता था, अभी भी मॉर्निंग वॉक पे आते हैं। और दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं थर्ड नाला पे। दोस्तों ये है थर्ड नाला मोरा का तीन फ्लो। दोस्तों बारिश के समय में यहाँ पे वाटरफॉल रहता है, पूरा जबरदस्त वाटरफॉल रहता है, जिसको जो है इसलिए नहीं दिखा पाऊंगा। दोस्तों राइट, यहाँ से राइट जाते हैं कनेरी और यहाँ से कनेरी 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मैंने इसी रास्ते पे साइकिलिंग की है कुछ दिन पहले, वो जो 42 किलोमीटर का साइकिलिंग किया, वो इधर से गोवा और जंगल होते हुए रास्ते से वापस आया। दोस्तों अभी हम पानाब्रस ब्रिज में पहुंच गए हैं और इसके नीचे जो नदी है वो उसका नाम है कोटरी नदी, जो कि इंद्रावती नदी चित्रकूट वाटरफॉल जहां पे है वहां जाके ये कोटरी नदी मिल जाता है। और कोटरी नदी हमारे घर के पीछे से करीब 1 किलोमीटर की दूरी से होके आता है और वहां पे उसकी चौड़ाई 10 से 15 फीट ही है। और मोहरा ब्लॉक से निकलता है कोटरी नदी। मैं बचपन में कोटरी नदी में नहा, बचपन पूरा बीत गया कोटरी नदी में नहाना आके। और फाइनली आई एम रिच नाउ मानपुर। अभी हम 25 किलोमीटर आ चुके हैं और अभी टाइम कितना मैं बता देता हूँ, टाइम पता नहीं कितना हुआ, देखते नहीं बना है, मोबाइल में देख लेता हूँ। 2:26 बकरे को कैसे लटकाया गया है बेदर्दी के साथ। दोस्तों बकरे को ऐसा नहीं लटकाना चाहिए और ऐसा लटकाना किसी भी जानवर को गैर कानूनी है। और हम अभी मानपुर में दो रास्ता है, राइट और लेफ्ट। अगर राइट हम जाएंगे तो यहाँ पे गढ़चिरौली पहुँच जाएंगे और वहाँ से महाराष्ट्र इंटर पर उतरेंगे और हम भी उधर से जाते हैं, लेकिन हमें जाना है कैंकेर। जय जय शंकर भोलेनाथ शंकर। दोस्तों ये है वो मंदिर शंकर भगवान का। जाना होगा नहीं जाना है ना। ये बहुत बड़ा मंदिर है, शिव लोग बोलते हैं इसको। पेट्रोल कम होगा तो दूंगा और बाकी तो क्या बना। Thank you.
दोस्तों यहाँ पे मदद के लिए रुका था, लेकिन मैं कोई मदद नहीं कर पाया क्योंकि अगर इसमें पेट्रोल की प्रॉब्लम रहती तो मैं पेट्रोल दे सकता था, बट और कुछ प्रॉब्लम जो मेरे साथ। दोस्तों फाइनली हम कांकेर पहुंच चुके हैं और अभी हम गड़िया पहाड़ में जा रहे हैं। और गड़िया पहाड़ दोस्तों कांकेर की शान है। यहाँ पे दुर्गा माता का मंदिर है और एक खूबसूरत सा लेक है। और यहाँ चढ़ने के लिए पीछे से रास्ता गया हुआ है पूरा पहाड़ तक, तो हम उसी रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों इस बैरियर पे सभी गाड़ियों का नंबर लिखा जाता है और यहाँ पे कोई पैसे नहीं लगता और इसके बाद ही आगे जाने दिया जाता है। और अभी हम लगभग पहाड़ के टॉप में चढ़ चुके हैं और अगल बगल हरियाली है और बड़े बड़े पत्थरे हैं। और यहाँ से लेफ्ट कटना है, शायद ये वही जगह है जहाँ पे राजा महाराजाओं के ज़माने में जो अपराधी था उसको सजा के तौर पर यहाँ इस पहाड़ से फेंका जाता था, शायद वही जगह है। और यहाँ से कांकेर शहर का व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है, इसलिए आपको इस जगह पे लेके आ रहे हैं। और यहाँ से हल्का सा दिखाई दे रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इस पत्थर के आगे जाना है उस व्यू देखने के लिए। और हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, एक्साइटमेंट बढ़ते जा रहा है। और ये फाइनली हम पहुँच चुके हैं खूबसूरत सा कांकेर देखने के लिए। वाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और बीच बीच में छोटा छोटा और पहाड़ दिख रहा है, इस पहाड़ पर भालू होता है और ये शहर के बीच बीच में है, छोटा दिख रहा है लेकिन काफ़ी बड़ा है। और नीचे नदी दिखाई दे रहा है, ये है दोस्तों दूध नदी जो कि कांकेर का जीवन रेखा है। यह नदी मलाजकुंड वाटरफॉल से आ रहा है जहाँ से हम भी आ रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे मलाजकुंड वाटरफॉल। वाह क्या जगह है यार, सही में एक नंबर जगह है दोस्तों। व्यू पॉइंट से वापस जा रहे हैं और बताना चाहूँगा कि इस पहाड़ का नाम है गड़ियाल पहाड़। और दोस्तों अंग्रेज़ों के ज़माने में इस पहाड़ पे फांसी दिया करता था। और कोई राजा का मूर्ति है। और अभी हम आपको मंदिर का दर्शन कराने के लिए लेके जाएंगे। इस एरिया में है मंदिर जहाँ पैदल जाना पड़ेगा। और इधर से जाता है मंदिर, चलते हैं हम मंदिर की तरफ। हाँ साथी लोग आगे बढ़ चुके हैं। और मंदिर हमें दिखाई देने लगा है बिल्कुल मंदिर के पास में, एक खूबसूरत सा लेक। और 1 किलोमीटर के हाइट होगा ये लगभग, और इतने ऊपर में तालाब है। देखो आपको तालाब देखने को मिल रहा है, ये इसको पवित्र माना जाता है, इस तालाब को बहुत ही पवित्र तालाब है। और मैं जब आया था पहले लगभग 10 साल पहले, तब कुछ नज़ारा कुछ और था। और यहाँ पे प्राचीन मूर्तियाँ भी है, मिनी देख रहे हैं।
गड़िया पहाड़ में स्थित सोनाई रुपये तालाब जमीन से करीब 660 फीट ऊंचे इस पहाड़ पर है। इसका पानी कभी नहीं सूखता। इस तालाब की खासियत यह है कि सुबह शाम के वक्त इसका आधा पानी सोने और आधा पानी चांदी की तरह चमकता है। दोस्तों ये पानी बीच से ही इधर से अगर लहर जाएगा तो उस किनारे तक नहीं जाता, बीच से वापस बीच तक ही जा पाता है। इसको धर्मदेव कंडर राजा मराठा साम्राज्य के समय खुदवाए थे, इस तालाब को खुदवाए थे। अच्छा, पानी वानी नहीं निकला तो हैरान परेशान हो गए। तो उधर शीतला माता है, उनकी इष्ट देवी पिंड रूप में स्वयं निकली है माता जी, तो उन्हीं से जिनकी प्रार्थना की तो उनको ऐसा संदेश मिला सपना दिए थे। ऐसा पोला त्यौहार होता है, बच्चे लोग खेलते हैं ना मिट्टी का बर्तन, उसको पोला बोलते हैं। उसी त्यौहार के रोज यहाँ खेलने के लिए भेज देना करके बच्चे लोग को। छोटे छोटे थे कन्या सुनई रुपये नाम था उनका, खेल रहे थे बच्चे दोनों आके। पताल गंगा ऐसे प्रगट हुई कि जल से पैक हो गया तालाब पर और दोनों बच्चे वहीं लुप्त हो गए। तब से यहाँ तो प्रमाण है कि यहाँ पानी कभी नहीं सूखता, 12 महीना रहता है। 1962 में अंकाल और मई जून में कभी पताल अंकाल पड़ गया था। बता रहा हूँ अंकाल पड़ने के मतलब 62-65 पानी का अंकाल, पानी का अंकाल, पानी नहीं गिरने की वजह से अंकाल पड़ जाता है, धान वान नहीं होता। वैसा ही हुआ था, तभी शहर को पालने के लिए इसी पर्याप्त पानी सकाई करते हैं। यही शाम और सुबह शाम को दो कलर में पानी चमकता है, इधर सोना कलर उधर चांदी, यही खासियत है इस तालाब की। इस तालाब को आपको तालाब के बिल्कुल नज़दीक लेके जाते हैं। इसकी कहानी बहुत ही पुरानी है। यहाँ का मंदिर है, चलते हैं आगे। गुफा में आ, गुफा जावे थे। और दोस्तों सामने है छुरी पराग गुफा। छुरी पराग गुफा में आपको विजिट कराते हैं, इसके बाद ले जाएंगे शीतला मैया का मंदिर। इस गुफा की छत को देखने पर अनेक छुरी नुमा पत्थर लटके दिखाई देते हैं। गुफा से निकलने के रास्ते हैं जो भंडारी पारा तथा गढ़ पिछवाड़ी की ओर निकलते हैं। गुफा के हाल में लगभग 500 लोग बैठ सकते हैं। हॉल है अंदर, चलो तो हेलमेट को पहने रख दो क्या? दादा रे खतरनाक, या कुछ मिला? आना घूमे भी एक नंबर है। और दोस्तों हम दोनों हस्बैंड वाइफ आ गए हैं और ये दो अलग अलग रास्ता गए हैं, कहाँ जाना है पता नहीं, देखते हैं चलते हैं। कार और यहाँ पे वाइफ आगे निकल चुकी है और मैं हेलमेट के साथ ही आया हूँ। सो के निकल जाओ। वापस इधर से जाएंगे, बोले बात खुला है।
और यहाँ पे घुस रहा हूँ, टॉर्च जला लेता हूँ। ये है टॉर्च, सबको बैठ के आना पड़ेगा। नहीं जाना, मैं आगुल निकल के आते तो वापस आते ना, खतरनाक है भाई। चाय बनाएंगे बोल रहे टिटू रॉयल। चलो कर रहा हूँ हाथ में, खतरनाक रास्ता। ऊपर डाने देखी, और इधर पता नहीं कहां तक गया है ये। ये रास्ता दो अलग अलग जगह निकलता है और मैं अकेले हो गया, बाकी कोई आने वाला मेरे साथ नहीं है, इसलिए मेरे को भी वापस जाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। ओहो, इधर फिर अंधेरा है, मैं काफ़ी दूर लेके जाता है ये रास्ता, अकेले जाना ठीक नहीं है और कोई साथ में है नहीं, तो थोड़ा पहाड़ में चढ़ लेता हूँ और देखता हूँ व्यू कैसा है। आइए आइए, सोच रहे कि दोनों हाथ इधर तो कैसे वीडियो बना रहा हूँ। मैं हेलमेट पहन लिया हूँ और ये रास्ता व्यू दिखाई दे रहा है खूबसूरत सा। कुछ कुछ टीपागढ़ की तरह है, और यहाँ से वापस जाना होगा। कुछ व्यू दिखा देता हूँ, अकेला हूँ, कोई और साथ में नहीं आया, इसलिए यहाँ से वापस होना पड़ेगा। वापस चलते हैं यहाँ से। हेलमेट इधर उधर टक्कर मार रहा है पत्थरों को। यह है वो रास्ता, बहुत अकेले जाना ठीक नहीं है, अंधेरा है। यहाँ से वापस चलते हैं और रास्ते यहाँ पे भूल गया हूँ, समझ नहीं है। टिटू रॉयल कहाँ है, थोड़ा आ तो, रास्ता भूले जैसे लग रहे हैं। वही छोटा गुफा के पास आ तो, शायद इस रास्ते में जाना है। नहीं हवा था, रुक कहते कहते डाल घुसे साले। हाँ हाँ, आप देखिए दूसरा डाल भागत रहे है, इसी सुरंग में वापस जाना है, बहुत छोटा है। बैठ कर जाना पड़ेगा, यहाँ पे क्रॉलिंग करके जाना पड़ेगा। सामने नहीं गया, अकेला फट के हाथ में आ गई। अकेले हो गया और रास्ता भी भूल गया था। अब यहाँ से वापस चलते हैं फिर लेक के पास में।
शीतला मंदिर कांडरा राजा धर्मदेवा की, देव की इष्ट देव योग माया का मंदिर कांकेर क्षेत्रवासियों के लिए। चलो, और ये शीतला मंदिर मिट्टी का था पहले, अभी नया बन रहा है ऊपर कांक्रीट वाला। जय भगवान। कैमरा आप लोग भी दर्शन कर लो दोस्तों। और इधर है बुढ़िया माता का गुफा, जहाँ बाहर नारियल बेचने वाला है, ये धरी सोता है गुफा में। चप्पल उतारते हैं पर, और यहाँ पे चप्पल उतारते हैं। यहाँ पे जबरदस्त है किट्टू रॉयल हमें गाइड करते हुए, और इस गुफा में घुसेंगे। जय माता दी। वाह, जबरदस्त। और इसका टिटू रॉयल का बैग गिर चुका है। बाहर नारियल बेचने वाला आदमी हो यही सोता है, वो है इसका बिस्तर, उनको बताए। और ये है जबरदस्त रास्ता। हाँ, मोहला से आप लोग यहीं के हो? मैं यहीं का। ये गुफा कहाँ जाता है? ये कौन सा? इधर जो गुफा गए हैं, ये गुफा है, सब पीछे निकलेगा। हाँ। एक भंडारी पारा रास्ता जाता है। अच्छा, उधर बहुत लंबा होगा। और एक गढ़ पिछाड़ी निकलता है। अब मंदिर और गढ़िया पहाड़ को पूरी तरह से घूम लिए हैं, अब जाएंगे घर। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।